नमस्कार, आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी YouTube चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लेटेस्ट और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE के आगामी पेपर व्यू मनी इन द बैंक के मैच कार्ड को लेकर, जो अब तक कंफर्म हो चुके हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। WWE का अगला पड़ाव मनी इन द बैंक पेपर व्यू है, जिसका आयोजन 10 मई को WWE के हेडक्वार्टर स्टैमफोर्ड में होने वाला है। इसके अलावा यहां पर हमें एक कॉरपोरेट लेडर मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत तो इस हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर से होगी, लेकिन इसका अंत छत पर होगा, यानी कि मनी इन द बैंक सूटकेस छत पर लटकाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन कन्फर्म मैचों की जो हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिलेंगे। इसमें पहला मुकाबला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेज सेथ रॉलिंस का। यह मुकाबला हमें WWE चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें ड्रू मैकइंटायर अपने टाइटल को सेथ रॉलिंस के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इससे पहले सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में केविन ओवंस के हाथों मात खा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने रो के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर पर हमला कर दिया था। इस पर मैकइंटायर ने कहा कि वे एक असली चैंपियन की तरह मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस के खिलाफ भिड़ेंगे। अगला मुकाबला हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट के बीच देखने को मिलेगा। इससे पहले सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग ने ब्रे वाइट को हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता था, जिसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बीच मुकाबला तय था, लेकिन अचानक रोमन रेंस द्वारा अपना नाम पीछे हटा लिए जाने के कारण रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमन का मुकाबला देखने को मिला, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने गोल्डबर्ग को हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए और अब ब्रे वाइट को एक बार फिर से इस टाइटल को हासिल करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मुकाबला दिया गया है। अगला मुकाबला बेली वर्सेज टमिना का देखने को मिलेगा। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए इससे पहले बेली ने टमिना को एक चैलेंज दिया था कि अगर वह साशा बैंक्स को हरा देती हैं तो उसको मौका मिलेगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने का। अगला मुकाबला हमें ट्रेडिशनल वुमेन्स लैडर मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में टोटल 6 स्पॉट थे, जिसमें से 5 स्पॉट पर सुपरस्टार्स का नाम कन्फर्म हो चुका है, जिसमें अशुका, नाया जैक्स, शाइना बेजलर, डाना ब्रूक और लेशी वंश का नाम कंफर्म हो चुका है, जबकि एक स्पॉट के लिए हमें स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड में मैंडी रोज और कार्मेला के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में जो विनर बनेगा उसको मौका मिलेगा इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद अगला मुकाबला हमें मेंस ट्रेडिशनल लेडर मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें कन्फर्म हो चुके नामों में डेनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो, एलिस्टर ब्लैक, अपोलो क्रूज और बैरन कॉर्बिन का नाम शामिल है, जबकि इसका एक मुकाबला हमें स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो डॉल्फ जिगलर और ओटिस के बीच देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारे मुकाबले तय होने बाकी हैं जो स्मैकडाउन और रो के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सब में सबसे मजेदार मुकाबला कॉरपोरेट लेडर मुकाबला होगा। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसे मौका मिलेगा WWE के सबसे बड़े टाइटल की स्टोरी लाइन में शामिल होने का। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ जमकर शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।